दोस्तों, करवा चौथ का त्यौहार है और सुहागिनों के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है उत्तर भारत में। और इसी उपलक्ष्य में आपको दिखाने लाए हैं करवा चौथ का मार्केट, खास तौर से साड़ी और लहंगों का शोरूम मौजूद है। इस वक्त हम बहुरानी साड़ीज पर, बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही पुराना ब्रांड है बरेली का, बहुत ही फेमस है, बहुत वैरायटी भी है आपके पास। हम इस शोरूम के मालिक टोनी साहब से बात करने जा रहे हैं और वो आपको खुद अपनी जुबानी बताएंगे किस प्रकार का कलेक्शन उनके शोरूम में है और किस तरीके की डिमांड इन दिनों चल भी रही है। जुड़िए हमारे साथ, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक शानदार लहंगे की रेंज यहाँ पर मौजूद है, मेरे कैमरे की निगाह में आप देख भी रहे हैं। पूरा शोरूम मैं दिखा रहा हूँ आपको कैमरे की निगाह में, किस कदर खरीदारी है यहाँ करवा चौथ के उपलक्ष्य में। हमारे ब्रांड को आज 42 साल हो गए हमें व्यापार करते हुए। 42 साल में हमने एक बात सीखा है कि कितने कम रेट में वो ज़्यादा सुविधाओं के साथ कस्टमर को हम अटेंड कर पाए। विशेषता हमारे यहाँ शोरूम ऊपर है, नीचे खाली हमारा डिस्प्ले है, तो ऊपर 4000 स्क्वायर फुट का हमारा शोरूम है। हमारे मिनिमम रेट है 200 किलोमीटर में हमारी गारंटी रहती है कि हमारे रेट सबसे लोएस्ट है और फिक्स रेट है। कोई बार्गेनिंग नहीं करते, किसी से कोई मतलब भेदभाव नहीं है कि किसी को 10 रुपये कम कर दें, किसी से ज़्यादा ले। खासियत कुछ नहीं है, मेहनत है हमारे बेटे की और आप सब लोगों का। क्या नाम बेटे का? केतन सानी। अच्छा। जब से केतन सानी हमारे इस व्यापार में आए, उन्होंने इस व्यापार को चार चांद लगाए। उनकी खरीद में, परचेजिंग पावर और सेलिंग में जो उनकी रणनीति है वो मेरे ख्याल से और उनसे बहुत बेहतर है। इसी हमारे वो आज इस शिखर पर पहुँचे हुए और आप देख रहे हैं कि आज हमारी कोशिश ये रहती है हम ग्राहक को कितनी सुविधा प्रदान करवाएं। आपके पास कलेक्शन देश के कौन कौन से सूबों का है, कौन कौन से राज्य? जहाँ बनता है। अच्छा। जैसे सूरत है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, दिल्ली है, हमारा साउथ में है, बेंगलोर है। जहाँ जहाँ से जो वेराइटी बनती है डायरेक्ट वहीं से आती, मीडिएटर से हम लोग नहीं जाते। हमारी कोशिश रहती है हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से लें और अगर जो हमें इंसेंटिव मिलता है वो भी हम ग्राहक को दे देते हैं। शायद इसी वजह से कम। जी, इसी वजह से हमारे प्राइस जो है लोएस्ट आते हैं और हमारी कोशिश भी रहती है कम दाम में बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। कोरोना संक्रमण काल चला था, कैसा व्यापार के लिए वो काल को मानते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? अब क्या बाजार उभर आया है उस संकट से? पूरे विश्व में संकट था, कोई मेरे और बरेली और किसी यूपी इंडिया के नहीं था। तो इस संकट से सब उभर के आ गए। आने वाला समय फिर वही सफलता का होगा ये हम उम्मीद लगाते हैं और हमारा प्रयास भी है कि कभी कोई दुर्घटना या घटना होती है जब तक हम उसे भुलाएंगे नहीं आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। हमारे माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम आपके माध्यम से दर्शकों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर किसी को भी हमारे यहाँ आने में कोई असुविधा हो या कोई कंप्लेंट हो तो कृपया आपके माध्यम से या हमें स्वयं वो संपर्क करें, हम उनकी हर बात को सुनेंगे, हर इशू को दूर करेंगे। थैंक यू।